सो गेमर्स आ जाओ। सो गाइस ये जो गेमिंग ईयरफोन्स आप देख पा रहे हो ये सिर्फ आपको 500 के अंदर देखने के लिए मिलते हैं और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कूल फीचर देखने के लिए मिलते हैं। लाइक आपको इसमें डी अटैचेबल माइक्रोफोन देखने के लिए मिलता है जिसे आप डी अटैच करके अपने फ़ोन के साथ यूज़ कर सकते हो। लाइक आपका जो माइक है काफ़ी ज़्यादा क्लोज होगा आपके माउथ के, तो पूरा डिटेल में आपको रिव्यू बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियोज़ की अनबॉक्सिंग के साथ। तो गाइस बॉक्स आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है, ऊपर बढ़िया सा इसकी ब्रांडिंग दी हुई है, ऊपर ईयरफोन वगैरह बने हुए हैं रेड कलर में। तो अब इसे फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। सो गाइस अनबॉक्स करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर ईयरफोन देखने के लिए मिल जाते हैं, उसके अलावा आपको देखने के लिए मिल जाता है हमारा डी अटैचेबल माइक्रोफोन जो कि कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है आप लोगों को। सो गाइस आपको ये रेड और ब्लू कलर दो कलर वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाएंगे और ये इसकी यूज़र मैनुअल देखने के लिए मिल जाती है आपको इस बॉक्स में। एक्स्ट्रा एयर टिप्स देखने के लिए मिल जाती है और गाइस इसमें आपको ये केबल देखने के लिए मिल जाती है जिससे आप इसे पीसी में भी कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। तो गाइस आप बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर ले, तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करो तो बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा तगड़ी देखने के लिए मिल जाती है, बट यहाँ पर आपको ब्रेडेड केबल नहीं दी गई है बिकॉज इसकी जो माइक की जो अपर लेयर है टोटली मेटल की दी हुई है और जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और जिस एंगल में आप इसे मूव करना चाहो इस माइक को आप 360 डिग्री रोटेट कर सकते हो, आप किसी भी एंगल पर रख सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली माइक के। बट ये जो ईयरफोन्स है ये आपको फुली प्लास्टिक बिल्ड देखने के लिए मिलती है आप लोगों को और बिल्ड क्वालिटी गाइस 500 के हिसाब से ठीक कहूँगा, ब्रेडेड केबल होती है थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता। सो गाइस जब भी आप इस डी अटैचेबल माइक्रोफोन को अपने ईयरफोन में यूज़ करोगे जब जो आपका जो सेकेंडरी माइक है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, सिर्फ ये काम करेगा। और बाय चांस अगर आप इसे लेना भूल जाते हो या फिर जो भी हो तो आप इसका जो इंटरनल माइक इसमें जो दिया हुआ है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइस इसके साउंड सिग्नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बढ़िया साउंड क्वालिटी है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, बट जो डिसएडवांटेज है वो है वोकल्स आपको थोड़े स्लो देखने के लिए मिलते हैं, बेस भी आपको कुछ खास देखने के लिए मिलता है बिल्कुल नीचे देखने के लिए मिलता है और जो मिड्स है वो भी आपको कम देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको जो ट्रेबल होता है जो छन 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 वाली जो आवाज़ होती है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हायर साइड देखने के लिए मिलती है, बिलो एवरेज आपको इसमें बेस देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल तो काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है, बट हाँ जो बेस है उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और गाइस आपको मेनली साउंड के लिए ईयरफोन चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इसकी जो वॉइस की जो सिग्नेचर है वो इतना कुछ खास नहीं लगा मेरे को। बट अगर आपको एक सिर्फ ऑडियो सेंट्रिक या फिर जो आपको गेमिंग वाइज ईयरफोन नहीं चाहिए तो आप बोट या फिर अच्छे अच्छे ब्रांड के जो ईयरफोन्स आते हैं इस प्राइस रेंज में आप परचेज कर सकते हो, बट गेमिंग वाइज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। और गेम खेलने की बात करो तो फुटस्टेप वगैरह गाइस काफ़ी ज़्यादा क्लियर है और गाइस जिस भी डायरेक्शन से एनिमे आ रहा होता आप आराम से डिटेक्ट कर सकते हो। वैसे ये चीज़ मेरे को इसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, 360 डिग्री साउंड आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा बट हाँ काफ़ी अच्छा साउंड देखने के लिए मिलता है, राइट या फिर लेफ्ट चैनल आप आराम से डिटेक्ट कर सकते हो। सो गाइस ये रहा इसका माइक सैंपल, आप जो पूरी वीडियो में आवाज़ सुन पा रहे थे इस माइक से रिकॉर्ड हो रही थी। अब मैं इसे शिफ्ट कर देता हूँ इस ईयरफोन के माइक में, जो आप ऑडियो सुन पा रहे हो ये इन ईयरफोन के इंटरनल जो ये माइक आया है इसके से रिकॉर्ड हो रही है जैसे कि आप सुन सकते हो। सो आप इससे आप रिकॉर्ड हो रही है वॉइस तो आप बता सकते हो किस हिसाब से इसकी वॉइस की क्वालिटी है। और ये अभी इसका इंटरनल माइक्रोफोन है, अभी मैं आपकी एक्सटर्नल माइक्रोफोन की इसकी जो वॉइस है वो सुना देता हूँ। सो गाइस ये जो आप आवाज़ सुन पा रहे हो ये इसके एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्ड हो रही है और ये काफ़ी ज़्यादा मुँह के क्लोज है तो आप देख सकते हो किस तरीके की इसकी ऑडियो आ सकती है। बताओ कमेंट में आपको कौन सा साउंड क्वालिटी बेटर लगा। सो गाइस ये है इस माइक की आउटडोर की क्वालिटी, तो आप बता सकते हो किस तरीके से इसकी क्वालिटी है, थोड़ी बहुत हवा चल रही है थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज है तो आप जज करके कमेंट करके बता सकते हो। इसमें आपको 3.5 mm जैक एल शेप का देखने के लिए मिलता है, तो अगर आप गेमिंग करते हो या फिर पॉकेट वगैरह में रखते हो फोन को तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं मिलती। सो गाइस इसमें अगर आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगाकर इसे ज़्यादा देर तक यूज़ करते हो तो आप एक साइड से थोड़ा हेवी हो जाता है, अगर आप इसे माइक्रोफोन के साथ यूज़ करते हो तो एक साइड से थोड़ा हेवी हो जाता है ईयरफोन, और अगर आप इसे लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हो थोड़ा बहुत आपको ईयर में पेन हो सकता है। और गाइस आप इसे एक्सटर्नल माइक्रोफोन को लगा के वॉकिंग भी करते हो तो ये एक साइड से निकल सकता है आपका ईयरफोन बिकॉज ये एक साइड से थोड़ा हेवियर हो जाता है एक्सटर्नल माइक्रोफोन को यूज़ करें। तो गाइस फाइनली बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, तो देखो ये ईयरफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टैंड आउट करता है इसकी पोजीशन को और ये 500 के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी बन जाता है बिकॉज अगर आपको एक अच्छा गेमिंग ईयरफोन चाहिए इस प्राइस रेंज में आपको हेडफोन भी देखने के लिए मिलते हैं गेमिंग वाइज तो आप उन्हें परचेस कर सकते हो, बट आपको सिर्फ ईयरफोन ही चाहिए गेमिंग वाइज तो ही मैं आपको इसे कंसिडर करने का कहूँगा। और इसकी जो ऑडियो क्वालिटी में वो कुछ खास नहीं लगी तो मैं इसे बस इतना ही सजेस्ट करूँगा कि आपको सिर्फ गेमिंग ईयरफोन चाहिए तो ही आप इसे परचेस करना, नहीं तो इस प्राइस पर आपको गेमिंग हेडफोन देखने के लिए मिल जाते हैं। वेल अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो। वेल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।